हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर के बारे में, और साथ में मैं बताने वाला हूँ इसके बेनिफिट्स, आपको इसको यूज़ कैसे करना है, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग करता है, और साथ में इसके कुछ साइड इफेक्ट है क्या। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। दोस्तों, कुछ इस तरह से ये आपको पाउच देखने को मिल जाता है। पाउच की जो MRP है काफ़ी कम है, सिर्फ 20 रुपये में आपको ये आने वाला है। और ये पाउच के अंदर आपको जो क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो भी बैक प्रोडक्ट के बैक सेट मेंशन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो कलरेंट है वो 9 ml है, प्लस डेवलपर भी 9 ml आने वाला है। और ये एक ही पाउच में ये दोनों कलरेंट और डेवलपर आने वाला है। साथ में आपको इसमें 1 pair ऑफ ग्लोव्स भी मिलने वाला है, और एक इंस्ट्रक्शन लिपलेट भी ये पाउच के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो कलर शैम्पू, इसमें कुछ 4 तरह के आपको कलर शेड देखने को मिल जाते हैं। जो पहला एक नेचुरल ब्लैक है, दूसरा नेचुरल ब्राउन है, तीसरा डार्क ब्राउन आता है, और चौथा बरगंडी आता है। तो इसे ऐसे कुछ 4 तरह के कलर शेड आपको ये कलर शैम्पू में देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों, ये एक नो अमोनिया कलर हेयर शैम्पू है। और दोस्तों, ये जो एक इसमें आलमंड ऑयल और नोनी एक्सट्रैक्ट यूज़ हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दो, जो आलमंड ऑयल होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं बालों के लिए। जैसे दोस्तों, आलमंड ऑयल जो होता है ये आपको बालों को स्मूथर और सॉफ्टर बनाने का काम करता है। और साथ में जो नोनी एक्सट्रैक्ट इसमें जो यूज़ हुआ है, तो ये आपके बालों को सिल्की भी बनाता है, और साथ में आपकी जो स्कैल्प होती है उसको भी एक नरिशिंग देने का काम ये करता है। दोस्तों, अभी ये जो पाउच है, एक बार हम इसे ओपन कर लेते हैं। अंदर जो पाउच के अंदर जो सारी कुछ चीज़ें वो भी एक बार देख लेते हैं। कुछ अंदर से हम देख लेते हैं अभी क्या क्या इसमें अंदर से निकलता है। तो पहले तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन लिपलेट देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको ये ग्लोव्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज में लिखा मिलने वाला है, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु, तमिल, तो काफ़ी सारी लैंग्वेज में ये लिखा है, तो ये अच्छी बात है। तो आप प्रॉपरली एक बार इसको पढ़ लेना, इसको यूज़ करने के पहले काफ़ी ज़रूरी है। अंदर से अभी देखते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये पाउच देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अंदर से जो शैम्पू हेयर कलर है वो भी एक बार देख लेते हैं वो कैसा है। तो अभी हम करेंगे इसको ओपन। कुछ इस दोस्तों इस प्रकार से ये वाइट कलर में आपको देखने को मिल जाता है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। और कुछ उसके बाद आपको कुछ ऐसे ब्लैक कलर का और एक लिक्विड देखने को मिलेगा, वाइट और ब्लैक कलर का लिक्विड इसमें है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ये शैम्पू हेयर कलर अंदर से आने वाला है। दोस्तों, ये जो शैम्पू हेयर कलर है ये मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, आपको ये बालों में अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, अप्लाई करने के पहले आपको इसमें से जो ग्लोव्स है वो आपको पहनने काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ये अंदर का जो मिश्रण है, ये पाउच के अंदर का, वो आपके हाथों में लेना है, और हाथों में लेने के बाद आपके आपके बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। बट दोस्तों, अप्लाई करने के पहले आपके बाल ड्राई होना काफ़ी ज़रूरी है, उसको गीला ना करें, ठीक है। दोस्तों, अप्लाई ये बालों में अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना है, प्रतीक्षा कीजिए। और 5 से 10 मिनट के बाद दोस्तों, आपको आपके बाल पानी से धो लेने, तब तक धोने जब तक पानी साफ ना निकले, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अभी दोस्तों बात करते हैं फ़ायदों की, बेनिफिट्स की। तो आपको ये स्ट्रिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो दोस्तों इसका जो पहला फ़ायदा मैं बता दूँ कि ये आपको 5 मिनट के अंदर आपके बालों को ये कलर देने वाला है, आपका काफ़ी कम टाइम लेने वाला है, और काफ़ी कम टाइम में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। साथ में ये आपके बालों को एक नेचुरल लुक देता है,
उसके बाद ये आपके बालों को अच्छी तरह से शाइन भी कर देता है, अच्छी तरह से आपके बालों को ये ग्लॉसी लुक भी दे देता है, साथ में ये अच्छी तरह से आपके बालों को कवर भी कर लेता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। तो गाइस बात करते हैं अभी लॉन्ग लास्टिंग के बारे में। तो ये कितने टाइम तक ये स्टिक इंस्टा शैम्पू हेयर कलर का जो कलर है वो बालों पे टिकता है रहता है? तो लगभग लगभग दोस्तों आप दो दो हफ्ते तक आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका ये जो शैम्पू हेयर कलर है ये 2 हफ्ते तक आसानी से आपके बालों पे टिक जाता है। तो ये था इसका लॉन्ग लास्टिंग। अभी बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो आपको इससे कुछ साइड इफेक्ट है क्या? तो अभी तक तो ऐसे कोई इस प्रकार के साइड इफेक्ट ये स्टिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर के देखने को नहीं मिले। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, आप एक पैच टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले। तो दोस्तों ये था स्टिक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर का रिव्यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।